हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं मदन बैलास कपूरचंद पुलिस स्मृति वन जयपुर, और आप मेरे साथ सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। देखिए मॉर्निंग के बच्चे और बच्चे की मौसी सुबह सुबह स्मृति वन का भ्रमण करते हुए। लोग के अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं। सुबह सुबह देखिए अब किस तरह से गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, और लोग सुबह के एक आनंद के खजाने को लूटने के लिए देखिए किस तरह से स्मृति वन पहुँचते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, और ये अपने आप में बड़े फख्र की बात है कि परमपिता परमेश्वर ऐसे मौके हमें बख्शता है, हमें उपलब्ध करवाता है, जिसके निमित्त सुबह सुबह हमें घूमने का अवसर मिलता है, और वातावरण शुद्ध वातावरण में शरीर को रिचार्ज करने का मौका मिलता है, और जीवन जो है वो बहुत ही कीमती है, और एक नींद की कीमत पे हम जीवन को यूं ही बेकार नहीं छोड़ सकते। तो सुबह सुबह जब मौका मिले तो निश्चित रूप से इस तरह के सुंदर वातावरण में अपने आप को शरीर को रिचार्ज करना चाहिए, अपने आप को रिचार्ज करना चाहिए, और बेहतरीन मानसिक और शारीरिक स्थिति में लाने के लिए इस तरह के टॉनिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखिए ये है स्मृति वन का डेन फॉरेस्ट, बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा होता है। सुबह सुबह आप देखिए किस तरह से ये कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ जो पक्षी हैं उनकी कलकलाहट चहल पहल और उनकी किरणाओं से गुंजायमान ये जो स्मृति वन है, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही स्वास्थ्य का बड़ा खजाना है और सुंदर से वातावरण का। इस वक्त जब जयपुर में पोल्यूशन का लेवल काफ़ी हाई है, इस समय तो निश्चित रूप से हमें शरीर को ऐसी जगह लाके प्योरीफाई करना चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हर पल को पूरी ज़िंदगी मान के हमें जीना चाहिए, हर क्षण को पूरी ज़िंदगी मान के हमें जीना चाहिए, हर क्षण में पूरी ज़िंदगी को समाहित करके जीना चाहिए, क्योंकि जो ज़िंदगी में ये जो पल और एक क्षण और ये महीने वर्ष साल और दशक कब निकल जाते हैं मालूम नहीं चलता। देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है, और इतने शानदार नज़ारे को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखो ये साइड में एक कमल तालाब बना हुआ है, लोटस पॉन्ड, कमल सरोवर। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये है, इसमें कितने खूबसूरत से कमल के ये जो पौधे हैं ये विकसित हो रहे हैं। यद्यपि कमल एक भी नहीं खिला हुआ है, पर काफ़ी शानदार साइज से घने जंगल में ये सुंदर सा सरोवर बनाया हुआ है। ये खूबसूरत सा नज़ारा देखिए, इधर किस तरह से जंगल को सुंदर तरीके से बहुत ही प्लानिंग के साथ इसको डेवलप किया गया है, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो स्मृति वन है ये जयपुर शहर के लिए किसी भी आशीर्वाद से कम नहीं है, किसी भी सुंदर तोहफे से कम नहीं है। प्रकृति द्वारा इसे प्राकृतिक रूप से ये जो एक विरासत मिली है, जिसको कपूरचंद पुलिस जो फाउंडेशन है उसने बहुत ही शानदार तरीके से इसको डेवलप किया है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है, कितना शानदार सा नज़ारा है। देखिए किस तरह से जंगल किस सुंदर सी जो एक प्राकृतिक जो हमें जो एक गिफ्ट, नेचुरल गिफ्ट जो हमें मिली है, निश्चित रूप से काफ़ी शानदार ये
यहाँ का वातावरण देखिए। ये ट्रैकिंग का एक रास्ता है, चलो चलते हैं, आज इस ट्रैकिंग को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ट्रैकिंग है, वर्ष 2012 के अंदर, ये कोई जनवरी फरवरी की बात रही होगी, तब हमने OTS परिवार के साथ, OTS में हमारे जो ट्रेनिंग फेलोज थे उनके साथ हमने ये ट्रेनिंग के दरमियान इस ट्रैकिंग को किया था। आज पुनः परमपिता परमेश्वर ने ये मुझे मौका बख्शीश किया है, ये एक अवसर दिया है, और इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए मैं ये ट्रैकिंग कराऊं। देखिए कितना घनीभूत ये जंगल है, ये देखिए किस तरह से, और एक सुंदर सा ट्रैकिंग का जो ये मार्ग है, ये निश्चित रूप से काफ़ी एक एडवेंचर की तरह है, और निश्चित रूप से एक मज़ेदार, शानदार और स्मृतियों को पुनर्स्मृति में लाने का सुंदर सा ये एक नज़ारा और एक मौका। ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा, सुंदर से ट्रैकिंग का अद्भुत नज़ारा देखिए आप, किस तरह से ये ट्रैक बना हुआ है। इस ट्रैक की खासियत ये है कि ये ट्रैक 2011 से मेरी स्मृति में एक स्मृति बन के है, और आज पुनः इस ट्रैक पे जाने का मुझे मौका मिला है। निश्चित रूप से देखिए काफ़ी, देखिए ये पीछे का एरिया जहाँ से मैं इस पे ट्रैक करके आया हूँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्रैक है। निश्चित रूप से ये इस ट्रैक से, इस पहाड़ी से हम जयपुर का विहंगम दृश्य भी देख सकते हैं। ये देखिए ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये जो बिल्डिंग है ये जालाना कर भवन है। ये देखिए बाकी की सारी बिल्डिंग्स जो जालाना की हैं वो आप इधर से देख सकते हैं, और ये ट्रैकिंग का सुंदर सा नज़ारा है। और ट्रैकिंग से हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं उनको चेक करने का मौका मिलता है कि अगर हम ट्रैकिंग सही तरीके से ऊबड़ खाबड़ रास्ते में ऊपर नीचे कंप्लीट कर लेते हैं तो मान लेना चाहिए कि हाँ जी अभी हमारे ऑर्गन्स सही प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखिए ट्रैकिंग का ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ के जाना पड़ रहा है, पर काफ़ी अच्छा है जी, मज़ेदार है, शानदार है। और जीवन में जब तक आपके उत्साह नहीं हो, एडवेंचर नहीं हो, कुछ अलग नहीं हो, तो जीवन का जीने का जो मकसद है वो साकार नहीं होता। जीवन को, अच्छे जीवन को जीने, अच्छे जीवन को साकार करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के एडवेंचर को, जीवन को झोंक दें, जीवन एडवेंचर बन जाए। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये देखिए, ये देखिए सांस फूल रहा है, सीधा पहाड़ी का रास्ता है। OTS के मेरे मित्रों को तो मालूम है, हमने इधर से ये ट्रैकिंग की थी। ये देखिए अभी बहुत ही सोच समझ के पांव रखना पड़ता है, और काफ़ी अच्छा है। देखिए भगवान सूर्य देव के दर्शन कीजिए आप, और काफ़ी सुंदर सा नज़ारा, जयपुर का भी एक दर्शन यहाँ से देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है जयपुर का। ये सामने OTS है, और पीछे की शानदार खूबसूरत बिल्डिंग्स, ये शिक्षा संकुल है सामने आप देख रहे हैं, और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा जयपुर का नज़ारा। ये पहाड़ी पे ट्रैकिंग का पाथ बना हुआ है, और
जो है ये देखिए, इस ट्रैकिंग पाथ पे सुबह सुबह ट्रैकिंग करते हुए मैं ये कह रहा था कि जीवन का ये जो मेरा क्षण है, ये जो पल है, इसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि संपूर्ण जीवन को जिया जाए। देखिए दोस्तों, ये जो जब व्यक्ति का इस संसार में प्रादुर्भाव होता है, जब जन्म होता है, तो हमारे शरीर पे एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। वो एक्सपायरी डेट कोई नहीं पढ़ पाता, लेकिन जिस दिन वो एक्सपायरी डेट आती है, सबको मालूम चल जाता है। उससे पहले किसी को मालूम नहीं चलता कि मेरी एक्सपायरी डेट क्या है। तो मेरा ये मानना है, बिना सोचे समझे हर पल को हम अंतिम मानते हुए और उसमें संपूर्ण जीवन जिए, जितना हो सके उस पल को बेस्ट से बेस्ट तरीके से जिए। और ये जो लड़ना झगड़ना, ये किसी से द्वेष भाव रखना, किसी से ईर्ष्या रखना, ये उचित नहीं है। और द्वेष भाव और ईर्ष्या का तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने किसी व्यक्ति से द्वेषता की, आपको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, वो व्यक्ति जो है वो आपको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति सही नहीं है, ये गलत है, हम उसकी कमियाँ निकालते रहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा शरीर एक बर्तन की तरह काम करता है और हमारे विचार हैं उसमें एक लिक्विड की तरह काम करते हैं, और जो नेगेटिव विचार हैं वो निश्चित रूप से एसिड की तरह काम करते हैं। तो अगर हमने हमारे शरीर में ये द्वेषता, नफरत और इस तरह का ये जो एक दुर्भावना किसी व्यक्ति की, वो एसिड के रूप में हमारे शरीर के अंदर अगर हमने डाल ली, तो मेरा ये कहना है कि अगले का यही तो होता या नहीं होता है, लेकिन आपने एसिड रूपी इस विचारों को शरीर के अंदर डाल लिया, तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले आपका नुकसान होगा। तो फिर करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, अगर किसी व्यक्ति से आपके वैचारिक मतभेद हैं, हो सकते हैं, आप मन भेद मत रखिए, हमेशा दिल को खुला रखिए, और खुला रख के और ये सोचिए कि कोई बात नहीं, ये जैसे हम किसी जगह चलते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें भी दिखाई देती हैं, कुछ गंदगी भी दिखाई देती है, कुछ इस तरह के आपको जो आपको मन को अच्छा नहीं लगता फिर भी आपको दिखाई देता है। कभी आप उन चीज़ों को विचार में लेते हो क्या? नहीं लेते, चलो हम उसको अवॉइड कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारे किसी भी व्यवहार से, किसी भी मन के इस उद्वेग से किसी व्यक्ति के साथ हमारा मतभेद हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए और ये कहिए कि ये जो भगवान का एक इस तरह का ट्रेनिंग का एक ये पार्ट है, और कभी भी अपने शरीर में इस तरह का द्वेषता, गणना, ईर्ष्या अपने हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि ये मेरे भाग्य में लिखा था, ये मुझे मिला, लेकिन मुझे इसको नहीं लेना, स्वीकार नहीं करना है। और हमेशा ध्यान रखिए कि ये नेगेटिविटी जो है निश्चित रूप से शरीर को हानि पहुँचाती है, इसलिए हमें ऐसी चीज़ें शरीर में नहीं रखनी है, ऐसी चीज़ें मन में नहीं रखनी है, ऐसी चीज़ें विचारों में उनको तवज्जो नहीं देनी है जो हमारे को सीधा प्रभावित करे। तो जो गलत विचार या दूसरे के प्रति जो धारणाएं हैं, निश्चित रूप से हमें उनको अवॉइड करना चाहिए, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा जो हानि का कारण बनता है, सबसे बड़ा नुकसानदेह होता है। अगले का हमने किसी के प्रति जो विचार रखा, उसको नुकसान हुआ या नहीं हुआ, निश्चित रूप से हमारे शरीर को नुकसान होगा, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ये किसी एसिड से कम नहीं है, और ये उसी बर्तन को काटती है जिस बर्तन में ये एसिड पड़ी रहती है। तो आज से जो है हमें ये प्रण लेना है कि कोई बात नहीं, किसी ने हमारे प्रति क्या कहा, भूल जाइए उसको, ये उसका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है चलते चलो, जिंदगी जीने की राह है, उसको साफ सुथरा करते चलें। शरीर एक मंदिर है जिसको साफ सुथरा रखें। दोस्तों, इस ट्रैक पे देखिए सुंदर सुंदर, ये आप जानते ही होंगे ये क्या चीज़ है, ये बेर हैं, और निश्चित रूप से सुबह सुबह बेर मिल जाएं तो बात ही क्या है। और हम जब छोटे थे तो ये झाड़ झाड़ के सुंदर सुंदर बेर हम खाया करते थे। हमारा जो महत्वपूर्ण फल मानिए, या फिर आप इसको भगवान का तोहफा मानिए, ये हमें मिलता था। देखो कितने सुंदर इस पे
छोटे छोटे ये बेर लगे हुए हैं, तो इसका आनंद अलग ही है। जब झाड़ पे बेर लगे हुए हम खाते हैं तो एक अलग आनंद है, मार्केट से खरीद के खाते हैं तो अलग आनंद है। तो आज सौभाग्य मिला इसे स्मृति वन में झाड़ से बेर तोड़ के खाने का। तो ये ट्रैकिंग का धीरे 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 ये मैं रास्ता पार करता हुआ। दोस्तों अकेले हैं, हर जगह अकेले ही चलना है। अगर कोई साथी मिल जाता है तो ये ईश्वर की आपके ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है। अगर नहीं मिल पाता तो चलते चलो, क्योंकि ये जो क्षण है किसी मित्र का वेट नहीं कर सकता। हमें जो ये क्षण मिला जीवन में, उस क्षण को, उस पल को, उस एक आनंदमय जो जीवन के पल को हमें जीना है। और हम व्यर्थ में किसी का इंतजार करके हम उस पल को विनाश के काल में नहीं झोंक सकते। तो जब भी मौका मिले और आप एक सुंदर पल को जीने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ट्रैकिंग का नज़ारा है। यहाँ की इसमें स्मृति वन में लिखा हुआ है कि यहाँ बघेरा रहता है, लियोपोल्ड रहता है, पर मन कहता है चल ऊपर वाला तेरे साथ है तो लियोपोल्ड तेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो ईश्वर है हमारे साथ। आनंद जो अभी जो है उसका मुकाबला, उसकी बेहतरी हम जीवन को अच्छी तरीके से उसमें झोंक के ही महसूस कर सकते हैं, उस पल को जी के ही कर सकते हैं। देखिए एक सुंदर सा ट्रैक का नज़ारा है। देखिए दोस्तों एक छोटा सा पोर्ट रखा हुआ है जो यहाँ के जानवरों के पानी के लिए रखा हुआ है। ये जगह जगह ऐसे पोर्ट रखे हुए थे। तो ये जो है ये जो मूक प्राणी सेवा है, मूक जानवरों की सेवा है, तो निश्चित रूप से हमें करनी चाहिए। देखिए पीछे की साइड में कितनी खूबसूरत सी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, शानदार, लाजवाब। और ये देखिए आप ट्रैकिंग के अंतिम छोर पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। मुझे नहीं मालूम ये किस पर्पज़ से बनी हुई है, पर अच्छी बिल्डिंग है। देखिए ये जालाना का एरिया है, काफ़ी खूबसूरत सा एरिया है। ये देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। देखिए मेरा एक वसूल है कि व्यक्ति को जीवन में कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। आज का काम आज करना है, कल का काम कल करना है। तो आज यहाँ जयपुर का ये काम था ट्रैकिंग का, तो मैं कंप्लीट किया है। और निश्चित रूप से जो ये ट्रैकिंग का खूबसूरत सा नज़ारा है वो आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा है। सुबह सुबह लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए घूमते रहते हैं। दोस्तों जीवन में बहुत तरह के निर्णय लेने होते हैं हमें। कई बार ऐसा लगता है हम निर्णयों पे पश्चाताप करते हैं कि उस वक्त में मुझे ये निर्णय लेना चाहिए था। अगर मैं ये निर्णय नहीं लेके दूसरा रास्ता चुनता तो आज मेरी काफ़ी मैं अच्छी पोजीशन में होता, आर्थिक और सामाजिक रूप से मैं बहुत ही सुदृढ़ होता। तो ये जो गलत फहमियाँ हैं इनको आप जहन से निकाल दीजिए। देखिए जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि तत्कालीन परिस्थितियों में उपलब्ध जो विकल्प थे उन विकल्पों में से आपने सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुना है। और जब आपने तत्कालीन परिस्थिति में शानदार और बेहतरीन विकल्प को चुना है तो पश्चाताप का कोई मौका नहीं है। आज वर्तमान में जो पास्ट के निर्णयों पे आप विश्लेषण करते हैं, वर्तमान में आपका मानसिक स्तर काफ़ी अच्छा हो जाता है कंपेरेटिवली उस समय जिस समय आपने निर्णय लिया था। तो तत्कालीन समय में आप द्वारा बेहतरीन विकल्पों में से चुना हुआ एक विकल्प आप काम में लेते हैं तो उस पर हमें पश्चाताप नहीं करना है। हमें ये सोचना है कि उस समय हमारे दिमाग में यही विकल्प थे और उन विकल्पों में से ये मेरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प था। आदमी हमेशा ये पछताता रहता है, मैंने ऐसे नहीं किया, ये मैं कर लेता तो ठीक था, ये मैंने नहीं किया, अगर मैं ये करता तो आज मेरे पास ये प्रॉपर्टी होती, आज मेरे पास ये सामाजिक प्रतिष्ठा होती,
आज मैंने ऐसे इन लोगों के लिए किया, आज मेरे लिए वो कुछ नहीं करें, कुछ नहीं। आपको परोपकार करना है और उनको भूलना है। हम क्या करते हैं, परोपकार को हमारा जो है बातचीत का जरिया बना लेते हैं। नहीं, आपको जिसकी हेल्प करनी है कर दीजिए, भूल जाएगी। आगे बढ़िए, सुंदर जीवन को जिए, पल पल को जिए, क्षण क्षण को जिए और आनंदमय जीवन को जिए। और जो पश्चाताप है, रिग्रेट है, उसमें आप मत जाइए। ये जीवन है, ये बहुत थोड़ा है। हमने एक गलती की, उसके लिए हमें 5 घंटे लगे, उसके बाद में रिग्रेट में हम 50 घंटे खर्च कर देते हैं। आपको मालूम है उससे कुछ नहीं निकलना। हम हर दिन यही 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट ये डिस्कस में बिता देते हैं कि मैंने ये नहीं किया, ये कर लेता तो ठीक था। तो चलो, आपने पहले जो कार्य किया उसके बाद में आप उससे ही कार्य वो अच्छा नहीं रहा आपकी नज़र में, और उसके बाद में आप उसी पे बार बार जो है उसी पे जा रहे हो, उस पर और हम आप समय दे रहे हो, ये सही बात नहीं है। हमें जो जो बीत गया सो भूल जाइए और आगे की सुध लीजिए। आज के जीवन में आज के क्षण को पूरे जीवन को मानते हुए इसको जिए, इसको व्यतीत कीजिए, इसका आनंद लीजिए। देखिए दोस्तों, मेरे ऊपर देखिए पूरा का पूरा जंगल है। ये देखिए, ये पूरे जंगल के अंदर मैं हूँ। ये ऊपर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये देखिए, ये पाथवे है। ये सुंदर सा, प्यारा सा, मस्त, मन को प्रफुल्लित प्रसन्नचित करने वाला नज़ारा निश्चित रूप से किसी ईश्वर की सुंदर बख्शीश, सुंदर गिफ्ट, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता। तो जीवन जो है इस क्षण का बेहतरीन जो गिफ्ट भगवान द्वारा मुझे बख्शीश किया गया है, ईश्वर द्वारा मुझे बख्शीश किया गया है, उसको मैं आपको साक्षी बना रहा हूँ। और ऐसे ही जीवन को जीते रहिए। आज मेरे साथ मेरे दर्शन और स्मृति वन की हमने ट्रैकिंग की, काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स जो है, ये जो वीडियोज़ हैं, ये मेरे फ्यूचर प्लान की एक हिस्सा है। तो आपको अच्छा लगे तो आप कोई बात नहीं। और मैंने ये आज के इस पल को जीने के लिए वीडियो बनाया है। वीडियो में मैं जो विचार और जो उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ वो एक साथी के रूप में मैं उसको सुना रहा हूँ। साथी मेरा ये मोबाइल है और सुनने वाले मेरे परम मित्र हैं। तो आज के सच्चे आनंद की जय। और आज इस स्मृतिवन का सुंदर सा ये प्यारा सा एक सफ़र रहा। देखिए किस तरह से लोग अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हैं, किस तरह से एक जो जॉगिंग की तरह लोग अपने जीवन को रिचार्ज और बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुंदर सा नज़ारा आप मेरे साथ हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद, आप अपना प्यार, आप अपना स्नेह मेरे पे बनाए रखें। थैंक यू।